हाँ जी नमस्कार। देख लीजिए आपका जीवन है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि जीवन की बात जीवन से होती है। तो ये दो प्रश्न आए हैं, लेकिन इनको अभी उत्तर करेंगे थोड़ी देर बाद, जिसके भी होंगे। हाँ जी, अनुभव हो गया? अनुभव हो गया? होना शेष है अभी। चलिए, तो अभी जो देखिए, मानो बात किए बिना रह नहीं सकता। कि रह सकता है? मानव और मानव बैठे हैं तो बात करेंगे ही करेंगे। बस यही है, हम क्या कर सकते हैं? बातचीत के कंटेंट को केवल बदलना है बस। मानव बात करेगा, घर में है वहां भी बात करेगा, ऑफिस में है वहां भी बात करेगा, ट्रेन में यात्रा कर रहा है वहां भी बात करेगा। जैसे आप सब ट्रेन में यात्रा करते ही होंगे, एक आदमी आकर के कुर्सी पे बैठ गया ट्रेन में, दूसरा आदमी भी सामने से आके कुर्सी पे बैठ गया, बेंच पे, सीट पे। अब दोनों में बातचीत शुरू नहीं हो रही है, तो कैसे शुरू होती है? तो एक जो है खिड़की उठाएगा, बंद करेगा, यार बहुत गर्मी है, और ये पंखा भी जो है रेल का बहुत खराब है, भारतीय रेल तो ऐसे ही है, सुधर ही नहीं सकता। तो दूसरा बोल दिया अगर, हाँ भाई साहब ठीक है, सही बात कह रहे हैं, भारतीय रेल का तो हाल नहीं है, है ना, सही बात है, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं? तो मुद्दा रेल नहीं था, मुद्दा पंखा भी नहीं था, मुद्दा गर्मी भी नहीं था, मुद्दा क्या था? सामने वाला बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, कभी कभी सामने वाले इस और ढीठ होते हैं, इतने पे भी नहीं बोलते। वो दरवाजा बंद कर दिया, खोल दिया, पंखा चला दिया, सब कर दिया, लेकिन सामने वाला इसके बाद भी नहीं बोलता। अब अगर उसकी चप्पल इधर आ गई तो इधर वाला क्या करेगा? ये किसकी चप्पल है, हटाओ यहां से। वो बोलेंगे भाई साहब मेरी है। अच्छा अच्छा आपकी है, ठीक है रख लीजिए, वैसे आप कहां जाएंगे? आप कहां जाएंगे, कहां से आ रहे हैं, क्या करते हैं? अच्छा तो बच्चे होंगे, वो क्या कर रहे हैं? अब क्या चीज है? बातचीत करना है। तो मानव बातचीत करेगा ही करेगा, हम भी चार दिन से पांचवें दिन बात ही चीत कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो बातचीत करेगा ही करेगा, बस उसके बातचीत का कंटेंट बदलना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कंटेंट ऐसा हो जाए जो लक्ष्य मूलक हो जाए। जैसे हमने हैप्पीनेस में एक कहानी लिखी है, तीन मजदूर तीन नजरिए। तो तीन मजदूर हैं, मजदूर मतलब जो सहयोगी, जो मकान इत्यादि बनाने में सहयोग करते हैं। तो एक आदमी गुजर रहा है और कहीं पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो एक आदमी जो उससे जुड़ा हुआ है निर्माण कार्य से, जिसको मजदूर बोल रहे हैं, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं भैया आप क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं जी रोजी रोटी कमा रहा हूं। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, उसी काम करने वाले दूसरे मजदूर से पूछते हैं भैया क्या कर रहे हो? तो बोला देखते नहीं हो, स्कूल बना रहा हूं। बोला अच्छा। फिर आगे बढ़ता है तीसरे मजदूर के पास, बोलते हैं भैया आप क्या कर रहे हो? बोलता है मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूं।
यहाँ भारत का भविष्य पलेगा, वो यहाँ शिक्षा लेने आएंगे, उनको अस्तित्व के बारे में समझ दी जाएगी, उनको लक्ष्य मूलक बताया जाएगा, और इससे पढ़ लिख के जब वो निकलेंगे तो खुद भी सुखी होंगे, दूसरे के लिए भी सुखदायी होंगे, प्रकृति के लिए भी उपयोगी होंगे। ऐसा विद्यालय, ऐसा शिक्षा का मंदिर बना रहा हूं। अब शाम को जब मजदूरी दी जाएगी तो किस मजदूर को ज्यादा मजदूरी दी जाएगी? हाँ जी, हाँ? तीसरे वाले को ज्यादा दी जाएगी। जो पूछ रहा वो नहीं मजदूरी देने वाला है, मजदूरी देने वाला तो कोई और है। सबको समान ही दी जाएगी। तो शाम को मजदूरी सबको एक बराबर मिलनी है, लेकिन तीनों में क्या फर्क है? काम भी तीनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? नजरिया, नजरिए का। तो हम जो चार दिन से कर रहे हैं, क्या चीज को कर रहे हैं? नजरिया नहीं, दृष्टि, दृष्टि को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दृष्टि ही बदलनी है। भाई आप चाहो तो जी सकते हो, जी रहा हूं, कट रहा है, मजे में हूं, मजे में हूं, मजा में हूं। तो आपके पास मौज है, आप कौन वाला मजा चाहते हैं? तो जिंदगी एक मकसद के साथ हो जाए, जो हमने यहां पे लिखा था कि मानव की जरूरत, उसमें मकसद आया था। शिक्षा का प्रयोजन लिखे थे तो उसमें भी एक मकसद के लिए आया था। तो क्या मकसद निकल के आया? तो मकसद निकल के आया कि मानव एक लक्ष्य के साथ है, उस लक्ष्य को उसने पहचाना नहीं। और लक्ष्य निर्धारित कौन करेगा? लक्ष्य निर्धारित कौन करेगा? मानव का लक्ष्य निर्धारित कौन करेगा? मैं, मेरा लक्ष्य। आप करेंगे या लक्ष्य निर्धारित है? तो मानव अगर प्राकृतिक इकाई है तो उसके धरती पे होने का प्रयोजन निर्धारित है। मानव को क्या करना है? शिक्षा विधि से उसको पहचानना है और उसकी दिशा में चल देना है। तो हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, लक्ष्य निर्धारित है। जैसे जीवन, मैं जीवन हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है? अनुभव, साक्षात्कार, बोध पूर्वक अनुभव, ये तय है, फिक्स है। मैं लक्ष्य को पहचानूंगा और उसकी दिशा में बढ़ूंगा, अर्थात अध्ययन और अभ्यास में लगूंगा, तो साक्षात्कार बोध, साक्षात्कार बोध के लिए कार्यक्रम क्या निकलेगा? अध्ययन और अभ्यास। तो मैं अध्ययन और अभ्यास में लगूंगा, साक्षात्कार बोध करूंगा। उसका रिजल्ट कैसे आएगा, इसको देखते हैं। अब अगर हम समझ के जीते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? इसको बोलते हैं बल, और इसको बोलते हैं शक्ति। बल को स्थिति बोलते हैं, स्थिति, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थिति क्रिया। और इसको गति बोलते हैं, शक्ति को गति क्रिया। तो बल के आधार पे शक्ति का निर्धारण, मतलब शक्ति का पता चलता है। कितना बल है वो शक्ति से पता चलता है। तो मेरे में मनोबल है, ये मेरी आशा से पता चलता है, मेरे कार्य व्यवहार से पता चलता है। तो ये बल है, ये शक्ति है, ये स्थिति क्रिया है, ये गति क्रिया है। अब इसमें जब हार्मनी होती है तो क्या होता है? जैसे वृत्ति जो है वो मन से ज्यादा विकसित क्रिया है। ये है सभी अक्षय बल, सब मिला करके अक्षय बल है। ये जो बल बोल रहे हैं एक्चुअली अक्षय बल है ये, और जो शक्ति बोल रहे हैं ये
अक्षय शक्ति है। तो जीवन में अक्षय बल है और जीवन में अक्षय शक्ति है जो कम नहीं होती, इससे ये संभावना बनती है। ये मेरा ध्यान जाता है कि जीवन अमर है, क्योंकि मरेगा कौन जिसमें कोई क्षय होगा। मैं कल्पना करता हूं तो कल्पनाशीलता मेरे में अक्षय है और ये सारा कल्पनाशीलता का ही पार्ट है। तो बल मेरे में अक्षय है, शक्ति मेरे में अक्षय है, इससे यह हमारा ध्यान जाता है कि जीवन अमर है। तो जब हम यहां कह रहे हैं जीवन अमर है तो हम कोई कह के निकल नहीं रहे हैं, सतर्क तर्क लगाइए, कोई चीज अक्षय है तो मरेगी, खत्म होगी, नहीं खत्म होगी, इसलिए बोल रहे हैं जीवन अमर है। हाँ जी, माइक माइक। बल और शक्ति में क्या डिफरेंस है? हाँ बताइए, इसमें साइंस पढ़े हुए लोग होंगे। बल और शक्ति, फोर्स और पावर में क्या अंतर है? कोई बताइए, फोर्स और पावर में क्या अंतर है? बल और शक्ति में क्या अंतर है? कोई बताइए। नहीं, हाँ जी माइक दीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, बल कार्य छे अने पावर एनु परिणाम। हाँ, और कोई और स्पष्ट करेंगे? हो गया। बल जो है वो होने के रूप में होता है, शक्ति जो है वो भागीदारी के रूप में होता है, रिजल्ट आता है, शक्ति पावर। तो हम पावर को पहचान पाते हैं, उससे बल की गणना करते हैं, उससे बल की पहचान करते हैं, ये चीज में इतना बल है। क्यों? क्योंकि ताकत इतनी दिख रही है इसमें, शक्ति इतनी दिख रही है। तो शक्ति गति है, भागीदारी है, और बल स्थिति है, होने के रूप में है। जैसे तीर में धनुष को खींचा तो क्या लगाया? बल लगाया। अब क्या होगा? तीर छोड़ देंगे तो तीर जितनी दूर गया तो बोलेंगे अच्छा इसमें बल ज्यादा लगा था, ऐसे बल का पता नहीं चलता। शक्ति के रूप में पता चलता है। तो स्थिति, इसीलिए बोला ये स्थिति है, बोध स्थिति है, बल है। बोध का पता नहीं चलेगा आपके जीने में, आपके संकल्प का पता चलेगा। संकल्प के आधार पे, यानी अब आपकी सारी कल्पना पूर्णता के अर्थ में हो गई है, जागृति के अर्थ में हो गई है, अस्तित्व के अर्थ में हो गई है, ऐसी कल्पनाशीलता से जब आप कार्य व्यवहार करेंगे तो लगेगा कि आपको बोध हो गया है। तो बोध एक स्थिति है, बोध व्यक्त होता है संकल्प के रूप में। अनुभव एक स्थिति है, अनुभव व्यक्त होता है प्रामाणिकता के रूप में। साक्षात्कार एक स्थिति है, यह व्यक्त होता है चित्रण के रूप में। अगर सही साक्षात्कार है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से है, तो वैसा ही चित्रण होगा। तो तुलन एक स्थिति है, यह व्यक्त होती है विश्लेषण के रूप में। आस्वादन एक स्थिति है, यह व्यक्त होती है चयन के रूप में। हाँ जी, हो गया। बल मतलब स्थिति, शक्ति मतलब गति। तो ये सभी अक्षय बल हैं, इनका नाम है। देखिए, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये केवल और केवल नाम है। चूंकि परंपरा में नाम चलते आए थे तो उनको एक क्रम दिया गया है, उनको एक क्रम दिया गया है। किसी को लगता है ये नाम
मतलब हमें ठीक नहीं लग रहा है तो आप बदल के ए बी सी डी ई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले भी नाम बदल के ए बी एक्स वाई जेड रख सकते हैं, क्योंकि केवल केवल नाम है, वृत्ति बोलने से आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन तुलन विश्लेषण बोलने से आप में पकड़ में आएगा। तो मूल में मेरे में क्रिया होती है, क्रिया को पहचान सकते हैं, मन को नहीं पहचान सकते। आस्वादन चयन को पहचान सकते हैं, मन को नहीं पहचान सकते। तो मन एक नाम है, एक बल का, जिस बल के कारण आस्वादन होता है। चयन एक नाम है, एक शक्ति का, उस शक्ति को आशा शक्ति बोलते हैं। नाम रखा है ये केवल, इसलिए अगर हम मन को खोजने जाएंगे, वृत्ति को खोजने जाएंगे, चित्त को खोजने जाएंगे, बुद्धि को खोजने जाएंगे, आत्मा को खोजने जाएंगे, तो ये नाम के रूप में नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे में जैसे जैसे मैं अपग्रेड होता हूँ, मैं मानवीयता की सीमा में आना शुरू करता हूँ, अनुभव संपन्नता की तरफ बढ़ता हूँ, वैसे वैसे मेरे में क्रिया दिखती है, मैं पहचानता हूँ। दिखती है मतलब आँख से दिखती है नहीं, पहचानता हूँ, समझता हूँ, मेरे में क्रिया पहचान में आती है। तो क्रिया को पहचानना होता है, ये नाम है इसको पहचानना नहीं होता। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, मन में, मन को कोई आस्वादन हुआ, शरीर से कोई संवेदना आई और मन का आस्वादन हुआ, वो रुचि मूलक था, प्रिय था, हित के विरुद्ध था, वृत्ति का सपोर्ट नहीं मिला, वृत्ति का सपोर्ट नहीं मिला, अर्थात तुलन क्रिया आस्वादन क्रिया को सपोर्ट नहीं की, भाई उसकी दृष्टि थोड़ी बदली है, वो हित को ज्यादा महत्व दे रहा है। अब आपको रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है और आपको शुगर है, तो तुलन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, द्वंद होता है, उसी को कल लिखा था दुख। लेकिन अगर वृत्ति के संकेत को मन ग्रहण करने लगा, जैसे ही मन में कोई आस्वादन आया और चयन करने का मन हुआ, वृत्ति ने रोका कि जो आपका आस्वादन है ये प्योर रुचि मूलक है, इसमें आपको नुकसान होगा, इसमें आपका हित भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, और ऐसे संकेत को मन ने ग्रहण कर लिया, तो मन और वृत्ति के बीच में हार्मनी हो जाती है, एक सूत्रता हो जाती है, एक तालमेल हो जाता है, इसी घटना को बोलते हैं सुख। मेरे आस्वादन और मेरे तुलन के बीच में तालमेल हो गया, द्वंद नहीं रह गया, विषमता नहीं रह गई, निर्विषमता हो गई। कई सारे नाम ले रहे हैं कि कौन सा नाम यहां गुजराती में चलेगा पता नहीं। तो तालमेल हो गया, हार्मनी हो गई, निर्विषमता हो गई, इसको बोल रहे हैं सुख। अब वृत्ति ने कोई संकेत मन को दिया और चित्त से सपोर्ट नहीं मिला, या सीधा चलते हैं उल्टा क्या चलें, वृत्ति ने कोई संकेत मन को दिया और उससे चित्त को सपोर्ट मिल गया, क्या चीज का मिल गया, कि तुलन न्याय की दृष्टि से हुआ, इसको चित्त ने स्वीकार कर लिया, अर्थात साक्षात्कार में स्वीकृत हो गया, उसका साक्षात्कार हो गया, तो चित्त का वृत्ति को सपोर्ट हो गया, तो चित्त और वृत्ति के बीच में एक हार्मनी हुई, तालमेल हुआ, निर्विषमता हुई, इस घटना को, इस स्थिति को बोलते हैं शांति। चित्त ने जो वृत्ति को संकेत दिया, वृत्ति ने मन को दिया, इसका संकेत जो आया वो बुद्धि से आया, अर्थात बोध पूर्वक आया, स्वीकृतियों के पूर्वक आया, व्यवस्था से आया, धर्म से आया, ऐसा तब बुद्धि और चित्त के बीच में हार्मनी होती है। इस हार्मनी को, इस निर्विषमता को, इस तालमेल को बोलते हैं संतोष, एक नाम दिया। अभी इसके आगे और करते हैं कि किस स्तर पे आता है। फिर बुद्धि ने जो चित्त को सपोर्ट दिया है, जिसके आधार पे वृत्ति ने मन को दिया है, आस्वादन चयन पूर्वक जीने की संभावना बढ़ी है, वो अनुभव से आया है,
अनुभव पूर्वक आया है, अनुभव से आया है, अर्थात आत्मा और बुद्धि के बीच में भी हार्मनी है। इस स्थिति को बोलते हैं आनंद, और इसी को बोलते हैं सुख की निरंतरता। निरंतर सुख। अब ये स्वयं के लेवल पे होता है, मतलब मैं अपना आस्वादन रुचि मूलक से संबंध मूलक लक्ष्य मूलक किया और उसमें वृत्ति को सपोर्ट हुआ तो मुझे सुख हुआ। लेकिन जब न्यायपूर्वक मैं जीता हूं, मेरा तुलन दृष्टि न्याय की हो जाती है, न्यायपूर्वक मैं जीता हूं तो मेरे संबंधों में तालमेल होता है, मैं संबंधों में हारमनी पूर्वक जी पाता हूं तो शांति परिवार के स्तर पर आती है। शांति परिवार के स्तर पर आती है क्योंकि न्याय दृष्टि हो गई है, अर्थात संबंधों में तालमेल हो गया है, तो परिवार के स्तर पर आती है। फिर मैं व्यवस्था को समझ गया हूं, ऊपर व्यवस्था और नीचे व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को समझ गया हूं, अर्थात मेरी दृष्टि धर्म की हो गई है, मैं धर्म पूर्वक जीता हूं, पदार्थ के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षी के साथ, मानव के साथ, मैं धर्म पूर्वक जीता हूं। ऐसी स्थिति में मेरा जो बोध है वो धर्म दृष्टि से आता है, तो बोध बुद्धि और चित्त के बीच में हार्मनी होती है, तो समाज में एक अभय होता है, तो संतोष समाज के स्तर पर होता है। तो समाज के स्तर पर अगर अभय है तो संतोष होता है, समाज के स्तर पर भय है तो संतोष नहीं होता। इसलिए बोले कि तुलन की दृष्टि धर्म की होती है तो संतोष होता है, और तुलन की दृष्टि जब सत्य की होती है तो आनंद होता है। तो कुल मिला के मामला तुलन पे ही है, दृष्टि पर ही है, जिससे कि साक्षात्कार शुरू हो। अभी तो साक्षात्कार बंद ही है। तो एक्चुअली इसमें जो है ब्लॉक बनाते हैं, इसमें दो ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक ये है। इसको बोले B1 और इसको बोले B2। B1 को लाल से ही लिख दें क्योंकि रेड लाइन वाला ब्लॉक है। तो ब्लॉक B1 मतलब तुलन जिसमें आधा हो रहा है, देखिए लाल लाइन के नीचे प्रीहित लाभ है, ऊपर न्याय धर्म सत्य है, न्याय धर्म सत्य नीली बत्ती में है, प्रीहित लाभ लाल बत्ती में है। तो ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ब्लॉक B1, ब्लॉक B2। तो जब तक हम ब्लॉक B1 में जी रहे होते हैं कोई भी मानवीयता की संभावना नहीं है, सुखी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि में न न्याय आया है, न धर्म आया है, न सत्य आया है। हाँ जी, तो क्या होता है जब हमारे में साक्षात्कार बोध होता है? देखिए बुद्धि कहते हैं, बुद्धि भ्रमित नहीं होती कभी, बुद्धि भ्रमित नहीं होती क्योंकि बहुत ही उच्च वो स्थिति है, उच्च स्तर है, लेकिन वो चुप बैठी रहती है। अगर आप आहार निद्रा भरे भय प्रजनन रूप पद धन बल में लगे रहते हो तो बुद्धि चुप बैठी रहती है, उसके लायक काम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक पढ़ा लिखा समझदार और ज्ञानी व्यक्ति हूं और मुझे कुछ फालतू बातों में आनंद नहीं आता, मान लीजिए, और मैं आके यहां बैठ गया और आप लोग फालतू ही बातें किए जा रहे हो, फालतू ही बातें किए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम भाई? दरवाजा भी बंद है, भाग भी नहीं सकते, क्या करेंगे? चुप बैठे रहेंगे। उसी समय हिमांशु भाई बोलेंगे न्याय एक दृष्टि होती है, धर्म एक दृष्टि होती है, सत्य नाम की कोई चीज होती है, उसको आइए समझा जाए। अब हम क्या होंगे? अलर्ट हो जाएंगे, अब आई हमारे काम की बात। तो बुद्धि बिना काम के चीजों में इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मेरे में क्या है, बुद्धि चुप बैठी है।
उसके काम का मसाला ही नहीं है, वो चुप बैठी है। जब हम साक्षात्कार पूर्वक हम न्याय धर्म दृष्टि के दृष्टियों में आते हैं तो बुद्धि सक्रिय हो जाती है, उसमें स्वीकृतियां आने लगती हैं। ऐसे समय में जब स्वीकृतियां हो जाती हैं तो एक क्षण होता है जिसको अनुभव बोलते हैं। क्या बात है, कितनी मजेदार बात है। अनुभव, बोध, साक्षात्कार, ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है, हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, संबंध कितने हार्मनी में आ जाएंगे, धरती का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, उससे पहले मेरा ही होगा। देखिए यही सभा है, कल मैं बिल्कुल सामान्य सी बात कर रहा था, आस्वादन और चयन, और लोगों को भारी लग रहा था। आज मैं अनुभव तक बात करता गया और आप सुन रहे हैं, भारी लग रहा है, क्या हो गया, आपका ध्यान अब आ गया उधर, क्योंकि हमारा इस लाल वाले ब्लॉक में जीने का अभ्यास है, रेड ब्लॉक में, तो लाल वाले ब्लॉक में जो जीने का अभ्यास है, इसमें से लाल वाले ब्लॉक की चीजों पे भी चर्चा हमको ठीक नहीं लगती, हमको तो खाली सुविधा बराबर सुख, आहार निद्रा भय प्रजनन रूप पद धन बल, इसमें अच्छा लगता है। तो जितनी अमानवीयता की बात करिए हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जीने का धरातल अभी अमानवीयता का है। तो क्या बदलेगा, मेरा जीने का धरातल ही बदल जाएगा, आदमी का छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मानव का पैराडाइम शिफ्ट होता है। सही सूचना आने पे, सही तरफ ध्यान जाने से जो ज्ञान आता है, उससे पैराडाइम शिफ्ट होता है, मानव का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसकी संभावना है, और इसके लिए बहुत मेहनत नहीं है। मैं स्वयं में प्रमाण देखता हूं कि मैंने इसमें जितना मेहनत किया है उससे ज्यादा मुझे उपलब्धि हुई है। मैं स्वयं के स्तर पर जितना मेहनत किया हूं, परिवार के स्तर पर जितना मेहनत किया हूं, सरकार के स्तर पर जाके जो काम किया है, अर्थात समाज के स्तर पर जितना मेहनत किया हूं, उससे कई गुना ज्यादा हमें उपलब्धि हुई है। तो सही की दिशा में कदम बढ़े, उपलब्धि होती है और हमारी अपेक्षा से ज्यादा होती है, केवल ध्यान ही देना है। तो जो स्वयं के स्तर पर हार्मनी होती है उसको समाधान बोलते हैं, उसी को सुख बोलते हैं। परिवार के स्तर पर हार्मनी होती है, न्यायपूर्वक जीते हैं, उसको समृद्धि बोलते हैं। ऐसी स्थिति में शांति होती है, परिवार में शांति होती है, समृद्धि की स्थिति में। अभी समृद्धि समझेंगे क्या बोलते हैं समृद्धि को। समाज के स्तर पर अभयता आती है, जब हम बोधपूर्वक जीते हैं, अर्थात व्यवस्था को समझकर व्यवस्था पूर्वक जीते हैं, तो समाज में अभय आता है, उस स्थिति को संतोष बोलते हैं। ऐसा होने पर मेरे अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, और मैं जो अपना जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मैं अनुभव संपन्न हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति में समग्र अस्तित्व, पूरा अस्तित्व मेरे लिए सामने खुल जाता है, और मैं समाधान पूर्वक पहले से हूँ, तो मैं आनंद पूर्वक जीने लगता हूँ, अर्थात मेरे में सुख की निरंतरता हो जाती है। ये हमारा असली फोटो है, इसका फोटो खींच लीजिएगा। हमारे जीवन का फोटो यही है, आधा लाल आधा नीला, बल्कि लाल वाला आधे से कम है, 4.5 है, नीला वाला 5.5 है। तो देखिए 4.5 से 5.5 में जाने का जो द्वार है, स्वर्ग का जो द्वार है, वो यहीं से खुलता है। स्वर्ग का जो द्वार है, जिससे आपके अंदर स्वर्गीयता आ जाएगी, जिससे धरती स्वर्ग हो जाएगी, उसका गेट यही है, गेटवे यही है। केवल तुलन प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य में शिफ्ट होता है,
उससे पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मेरे अंदर साक्षात्कार बोध शुरू हो जाता है और मैं अनुभव संपन्न हो जाता हूँ। उसका प्रमाण मेरे लिए भी सुखदायी होता है, मेरे परिवार के लिए सुखदायी होता है, पूरे समाज के लिए व्यवस्था में मैं होता है, पूरी प्रकृति के लिए नियम पूर्वक व्यवस्था अनुरूप हो जाता है। तो ये गेटवे है, यही द्वार है स्वर्ग का। अब कोई पूछे स्वर्ग का द्वार कहाँ है, तो आप बोलेंगे आपके अंदर है। आप जो प्रिय हित लाभ में टिके हुए हो, मतलब सीधे किसी से मत कहिएगा आपस में बात करते समय, तो बाहर वाले को तो पता ही नहीं है प्रिय हित लाभ क्या होता है, नया धर्म सत्य क्या होता है। भाई आपको इस तक लाने में 5 दिन लगा हमको 5 दिन लगा यहां तक लाने में, तो हम सीधे सीधे किसी को बता देंगे तुम जीवन हो और तुम्हारे अंदर क्रिया होती है और तुम आहार निद्रा प्रजनन में जीते हो। मैंने जीवन विद्या शिविर किया है, उसमें बताया गया है कि जीवन क्रिया होती है, उसमें दृष्टि होती है जो प्रिय हित लाभ की होती है। आपकी दृष्टि खराब है, आपने अधर्म सत्य पूर्वक जियो, बोलेगा अभी लगाता हूं एक झापड़ तो भैया ये अभी क्या है, अभी क्या है, ये सारी सूचना स्वयं में पचाने के लिए, जिसको सुनाना है उसको ले आके शिविर में बिठाइएगा, या तो फिर पूरा शुरू से बताइएगा अगर बताना है, तो पहले दिन से अगर नोट बनाए होंगे तो सीधे जीवन बताना, क्योंकि आपको एक नई चीज मिलती है जीवन, तो जो मिलता है उसको पकड़ के जीवन ही बताना शुरू कर देते हैं अभी अगले का तो ध्यान ही नहीं है जीवन क्या होता है तो इसीलिए मैं जब पहला शिविर करके आया तो मैं पहले भी पसना इत्यादि करता था, काफी किया। तो जब पहला जीवन विद्या शिविर करके आया तो श्रीमती जी, एक दिन मैं अपनी शेयरिंग भी किया था कि श्रीमती जी तो पहले से ही पक्की थी विपसना सुन सुन के, हर 6 महीने पे विपसना, हर साल में विपसना। तो उन्होंने जब हम बताए जीवन विद्या शिविर है तो बोली ये क्या नया नाटक शुरू हो गया। तो जब मैं पहला जीवन विद्या शिविर करके आया, हाँ जी, पहला जीवन विद्या शिविर करके आया तो बोली इसमें क्या हुआ, तो मेरी तो बताने की कोई स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जैसे ध्यान था वैसे ध्यान हुआ क्यों क्या बताएंगे भाई, अपने जीने में कुछ अभी आने वाला नहीं है, क्या बताएंगे। तो मैं बता नहीं पाया, दूसरे शिविर में भी बता नहीं पाया। 6 महीने का जब अध्ययन करके आया तो अपने आप उन्होंने कहा, जैसा मैं शेयरिंग किया था, अपने आप ही 1-1.5 महीने बाद बोलती हैं मुझे भी ये शिविर करना है। एक आदमी में इतना बदलाव हो सकता है तो ये कंटेंट बहुत बढ़िया है, इससे हमको भी गुजरना चाहिए। वो स्कूल अच्छा है जहाँ आप नाम लिखा के आए हो, मेरा भी एडमिशन कराओ अगर कोई जुगाड़ हो तो। तो देखिए आपको एडमिशन कराना है तो आपको भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। दिनेश भाई, हिमांशु भाई, दशरथ भाई बैठे हैं जुगाड़ लगाइए। तो अध्ययन करते हैं, अध्ययन शिविर में क्या करते हैं, करना यही है, अनुभव तक पहुंचना है, काम तो यही है। इसके लिए 13-14 किताबें हैं, उन किताबों में भी सूचनाएं ही हैं। किताब अपने आप में ज्ञान नहीं है, उन किताबों में सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को हम पढ़ते हैं, पढ़ के डिस्कशन करके समझते हैं। वहां कोई ना कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा होता है जो हमसे कहीं आगे होता है, वो उनके बारे में बता रहा होता है, उसको समझ करके हम अपने में उन चीजों को, क्रियाओं को देखते हैं और अनुभव की संभावना की तरफ जाते हैं। इस दर्शन के प्रणेता आदरणीय नागराज जी हैं, थोड़ा उनके बारे में 15-20 मिनट में बता देते हैं, क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञता है तो मुझे लगता है उनके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। तो वो एक वेदमूर्ति परिवार के थे। हाँ जी, वेदमूर्ति समझते हैं, वेदमूर्ति मतलब उनके परिवार में वेद पढ़ाए जाते थे और उनके परिवार से वेद पढ़ के लोग शंकराचार्य तक होते थे, ऐसी परंपरा से थे वो। लेकिन बचपन में ही उनके कुछ प्रश्न खड़े हो गए, जैसे उनके गांव के बड़े बूढ़े भी आकर के उनको प्रणाम करते थे तो प्रश्न करते थे अपनी माताजी से, ये क्यों हमको प्रणाम करते हैं, हमने इनको क्या दिया है, मैं तो बहुत छोटा हूं अभी। तो बोले देखो, हम जो जिस परंपरा के हैं
वो एक वेद मूर्ति परंपरा की है, इसलिए प्रणाम करते हैं। बोले ठीक है, लेकिन हमसे तो उम्र में वो बड़े हैं और हमने उनको कुछ ज्ञान भी हमने तो नहीं दिया है, हमारे पिताजी ने दिया होगा, हमारे मामा जी ने दिया होगा, हमारे बाबा ने दिया, हमने तो दिया नहीं है, हमें क्यों प्रणाम करते हैं। तो बोली ये होता है, जिस परंपरा में जो रहता है उसका इस तरह से सम्मान करते हैं। तो खैर ऐसे ऐसे उनके प्रश्न आते थे, तो उसमें स्कूल गए, स्कूल में भी उनके प्रश्न आते थे, तो उन प्रश्नों को वो कोई हैंडल नहीं करता था, तो वो स्कूल जाना भी छोड़ दिए, पढ़े ही नहीं। जो कन्नड़ भाषा थी उनको कन्नड़ भाषा मतलब सही रूप में आती भी नहीं थी, उसका अक्षर ज्ञान भी नहीं लिए। बोलने आती थी, जैसे बच्चा घर में हिंदी बोलता ही है, छोटा बच्चा आपके घर में हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी बोलता है, गुजराती बोली जा रही है तो गुजराती बोलता है, लेकिन गुजराती लिखने को कहिए तो लिख पाएगा, गुजराती पढ़ने को कहिए तो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो वैसे ही कन्नड़ बोल लेते थे वो, लेकिन कन्नड़ पढ़ भी नहीं पाते थे, लिख भी नहीं पाते थे, छोड़ दिए स्कूली। अब उनका उत्तर ही नहीं आता था, क्या करें। अब परिवार में बड़े बड़े होने लगे तो उनको लोग मोटी बुद्धि का घोषित कर दिए, क्या घोषित कर दिए, हाँ यहां तो मोटा मतलब बड़ा होता है, मोटी बुद्धि मतलब मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि का घोषित कर दिए। पड़े रहते थे। एक बार इनके घर में एक चिट्ठी आई कहीं से, तो इनकी बुआ जी चिढ़ाने के लिए बोली, अरे ये भोंदू से पढ़वा दो, ये मंद बुद्धि से पढ़वा दो। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ, एक अपमान सा महसूस हुआ कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है इसलिए मुझे ऐसा चिढ़ाया जा रहा है। तो फिर ये कन्नड़ भाषा सीखने लगे बिना स्कूल गए लोगों से। अच्छा, उनकी आदत शुरू थी से थी कि जिसमें घुसते थे पूरा ही घुसते थे, समझ के निकलते थे, तो कन्नड़ भाषा में इतना घुसे कि एक कन्नड़ भाषा के कवि हो गए, कन्नड़ भाषा में कविताएं लिखने लगे और कविताएं मंचों पे जाके पढ़ने लगे। तो बोलते थे, उस समय जब मंच पे कविताएं पढ़ता था तो मेरा सम्मान होता था, मुझे माला पहनाया जाता था, साल उड़ाया जाता था। तो बताते हैं कि उस समय भी मुझे ये तो लगता था कि जितनी देर माला पहनाते हैं साल उड़ाते हैं उतना ही देर कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद तो अच्छा लगता नहीं है, इसका मतलब ये कोई सम्मान वम्मान है नहीं। तो उसकी उन्होंने समीक्षा कर दिया। अच्छा, बालक घर में बड़ा होने लगा। अब बालक घर में बड़ा होने लगा, युवा हो गया और मंद बुद्धि का था, तो परिवार वाले क्या करेंगे। तो हमारे यहां जब आपके यहां क्या होता है, बच्चा बिगड़ता है तो क्या करते हैं, बोलते हैं बहुत इधर उधर बिगड़ रहा, बाकी बातें कर रहा है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं दीदी आप में कितनी ताकत है। तो हम लोग क्या क्या होता है कि बच्चा पढ़ लिया तो भी शादी कर लो, नहीं पढ़ने में ठीक है तो भी शादी कर लो, नौकरी पा गया तो भी शादी कर लो, नहीं नौकरी पाया तो भी इसकी शादी कर दो, कुछ करेगा। मतलब हर बीमारी का इलाज शादी कर दो। तो नागराज जी के भी पीछे लोग पड़े कि इनकी शादी कर दो। अब ये डर गए, बोले यार मेरा प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं और ये बांध के हमको अब शादी कर देंगे। तो ये चले गए अपने गुरु जी के पास। तो इनकी परंपरा के गुरु थे कांची कामकोटी के शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती जी, उनके यहाँ गए। तो वहाँ मिलने के लिए एक वेटिंग लिस्ट चलती थी, मतलब बहुत लंबा लिस्ट रहती थी। तो पूरे दिन इंतजार करने के बाद ये मिल पाए। मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो रही है, तो बोले कर लो। बोले नहीं, मैं अभी नहीं करना चाहता, मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिला है। तो बोले कि प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम ऐसा करो, शादी तुम्हारी रुकवा देंगे लेकिन तुम बनारस चले जाओ, एक साल बनारस में बिताओ, वहां के विद्वानों के साथ बातचीत, क्योंकि उस समय भी बनारस को विद्वानों की नगरी कहते थे, वहां जाओ वहां पे टाइम बिताओ। बोले ठीक है, इनको तो शादी से भगना था, बोले ठीक है हम जाएंगे बनारस, बिल्कुल जाएंगे, एकदम तैयार है। तो गुरु जी की उस परिवार में चलती थी, हर परिवार में गुरु की चलती है। तो गुरु जी ने संदेशा भिजवाया कि भाई इसकी शादी रोक दो, इसकी शादी अगले साल करना, ये बनारस जा रहा है। तो बनारस ये चले गए।
लेकिन ये अपनी माताजी से, इनकी माताजी, हर माँ अपने बच्चे से बहुत लगाव रखती है, तो इनकी माताजी इनको बचपन से ही कुछ कुछ स्किल सिखाती थी। जैसे इनके माताजी इनको सिलाई सिखा दी थी, मशीन से सिलाई करना, कटिंग करना, सिलाई करना, माताजी को उसका स्किल था, उसका स्किल था उनकी माताजी के पास। दूसरा काम माताजी ने इनको सिखाया था, धीरे धीरे नाड़ी देखना सिखा दिया था, और कुछ आयुर्वेद, उनके पास वो स्किल थी तो नाड़ी देखना और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो बनारस गए, स्वाभिमानी बहुत थे, मतलब भी चंदा और भीख मांग के नहीं खाना है, किसी का दान चंदा नहीं लेना। तो बनारस गए तो क्या किए, एक सिलाई मशीन लाए किस्त पे। हाँ जी, सभी सुन रहे हैं, अब ये तो सुनेंगे, स्टोरी है, कहानी में मजा आता है। तो एक सिलाई मशीन लाए, उस सिलाई मशीन के किस्त पे ले आए, उसको 5 रुपए या 4 रुपए किस्त देनी रहती थी डेली। तो ये किस्त देते थे, जो भी 20-25 रुपए मिलता था, 5 रुपए किस्त देते थे, 5-7 रुपए अपने खा लेते थे, बाकी का दूसरों को खिला देते थे, खत्म कर देते थे पैसा, क्योंकि रखने की कोई जगह भी नहीं थी। तो ऐसा करते थे और खाली समय में विद्वानों के पास जाके बैठते थे। ये करते 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 एक साल बीत गया और इनके प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला। जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और इधर चले आए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, शादी होगी और क्या होगा, बाजा बजेगा। तो उनका भी बाजा बज गया, शादी हो गई, आदरणीय नागरत्ना जी के साथ शादी हो गई। देखिए मैं कहानी अच्छा सुनाता हूं कि नहीं। तो शादी हो गई, शादी हो गई और प्रश्न जस के तस खड़े। उसके पहले कुछ लोगों ने कहा कि मामा जी के साथ जाके वेदांत का अध्ययन कर लो। तो मामा जी के साथ जाके वेदांत का अध्ययन किए, उसमें कुछ और प्रश्न खड़े हो गए। जैसे वेदांत में आता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये बात उनको पचती नहीं थी कि एक तो ब्रह्म से, चूंकि जो अद्वैतवाद है उसमें ये कहा गया कि ब्रह्म ही है, उसमें से ही जगत प्रकट हुआ है और उसमें ही जगत समाता है, तो अद्वैतवाद यही कहता है। तो उनका कहना यह था कि अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे है, मतलब सही में से झूठ कैसे निकला और झूठ सही में समाएगा कैसे, ऐसे कुछ प्रश्न उनके थे, 2-3 प्रश्न खड़े हो गए। अब इधर शादी हो गई, अभी प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, शादी हो गई तो क्या कहते हैं लोग, भैया आपकी शादी हो गई और आप कुछ करते धरते नहीं हो तो क्या कहेंगे लोग, दीदी। क्या कहेंगे, अब तुम्हारे इस फालतू बातों से काम नहीं चलेगा, एक वो भी आ गई है, कुछ चिंता करो, कुछ कमाओ धमाओ। कि ऐसे ही रहोगे? तो बोले अच्छा ठीक है, कमाते हैं। तो पेंसिल का काम शुरू किए, वही बताया ना, जिधर ये घुसते थे पूरा ही घुसते थे, समझ के निकलते थे, एक अपनी आदत थी। तो पेंसिल का काम शुरू किए, पेंसिल लाते थे, बेचते थे। ऐसा करते करते मैसूर में उस जमाने में पेंसिल का कारखाना लगा दिए, पेंसिल बनाने लगे, और इतनी बेहतर क्वालिटी की पेंसिल होती थी कि उसका एक्सपोर्ट होता था। और बताते थे, जब हम लोग बात करते थे, बोलते थे तुम लोग क्या कमाओगे इस जमाने में, अगर उस जमाने में प्लेन आदमी को व्यक्तिगत खरीदने को मिलती तो मैं खरीद लिया होता, क्योंकि सब कुछ खर्च के बाद पर डे 600 रुपए बचते थे उस जमाने में, 1930-35 की बात है। तो बोलते थे मैं अपने फ्लाइट से उड़ता लेकर के, लेकिन था ही नहीं, सुविधा ही नहीं थी। तो बोले इतना कमाए, लेकिन उन्होंने देखा कि इतना कमा लिया, इतना पैसा तो आ रहा है, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं मिल नहीं पा रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, मैं बेचैन हूं, परेशान हूं। और उसमें माताजी थी, तो माताजी भी साथ में, उसमें एक बेटी हुई और एक बेटा भी हुआ, भाई दो शादी हुआ तो 2 बच्चे भी हुए। तो अंत में माताजी ने कहा कि जब आपको प्रश्नों का उत्तर लेना ही है तो क्या ये सब कर रहे हो, उसी के उत्तर में चलो ना, ढूंढो क्यों ऐसे में लगे हुए। तो फिर नागराज जी ने निर्णय लिया कि पेंसिल की फैक्ट्री तो बंद करना है, ये नहीं चलाएंगे हम।
क्यों? प्रश्न और नए नए खड़े हो रहे हैं, जो प्रश्न है उसका समाधान नहीं है, और हम पैसा कमा रहे हैं मेरे मैं और दुख मेरा जो उत्तर है वो मिल ही नहीं रहा। तो ये निर्णय हो गया कि अब हमको तो लोग बताते हैं कि जो भी श्रेष्ठ लोगों से जो मिले उन्होंने बताया आपके प्रश्नों का उत्तर समाधि में मिलेगा। बार बार उनको यही बताया गया आपके प्रश्नों का उत्तर समाधि में मिलेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है अब समाधि करें और क्या करेंगे, जब अब एक ही रास्ता बचा समाधि 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 समाधि, तो समाधि के लिए जाएं। तो फिर इन्होंने निर्णय ले लिया समाधि का, तो गुरु जी के पास गए मिलने के लिए। तो फिर वही प्रक्रिया, पूरा दिन लग गया मिलने में। तो गुरु जी ने कहा कि कहाँ समाधि के लिए जाएं, साधना के लिए कहाँ जाएं? तो गुरु जी ने कहा नर्मदा के किनारे भजन करो। और ये चले आए, आ करके अपनी पत्नी से कहे कि गुरु जी ने कहा है नर्मदा के किले किनारे जाके भजन करो। तो माता जी ने कहा नर्मदा तो बहुत लंबी है, अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर तक जाती है तो कौन सी जगह करेंगे? बोले अरे ये तो मैं भूल गया पूछना, नर्मदा के किनारा तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाएं? तो बोले फिर जाइए। तो बोले अब नहीं जाएंगे, फिर दिन भर लगेगा तो बोले तब क्या करें? बोले नर्मदा के उद्गम पे ही चलते हैं, अमरकंटक ही चलते हैं। फिर इन्होंने निर्णय ले लिया, तो बेटे को इन्होंने ननिहाल में रख दिए और बेटी को अपने साथ लेके जाने की तैयारी में लग गए। पेंसिल की फैक्ट्री को इन्होंने बेच दिया किसी के हाथ, जिसको बेचा उसने तुरंत पैसा नहीं दिया, बोले मैं पैसा 3 दिन 4 दिन बाद बोले शाम को लेके आऊंगा। तो सामान वामान तैयार कर लिए, माता जी भी तैयार हो गई, बोले आप साधना करिएगा मैं आपके लिए खाना वाना बनाऊंगी, आपके साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा, नहीं तो आप खाना ही बनाते रहोगे उत्पादन करते रहोगे साधना कैसे करोगे। तो माता जी भी तैयार हो गई साथ में, माता जी मतलब नागराज जी की पत्नी, हम अपने लिए कह रहे हैं माता जी नागरत्ना जी, वो तैयार हो गई। तो दोनों लोग साथ जाने के लिए तैयार हो गए, सामान वामान पैक कर लिए, अपना सूटकेस वगैरह तैयार कर लिए और उस आदमी का इंतजार करने लगे। वो आए पैसा दे और हम जाएं, वो आदमी आए पैसा दे और हम जाएं। इंतजार करते करते शाम होने लगा, तो माता जी ने कहा क्या बात का इंतजार है? बोले यार वो आदमी पैसा लेके नहीं आया। तो बोली जब पैसे का ही चक्कर था तो फैक्ट्री चलाते हाँ क्या बात का साधना करने जा रहे हो, पैसे का ही चक्कर था तो फैक्ट्री चलाते आराम से। तो फिर माता जी ने अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह दिया, जैसे भी करके पैसा कुछ ले आए और चल दिए, अमरकंटक आ गए। तो उस समय अमरकंटक में मुश्किल से 100 लोग से भी कम रहते थे, बहुत कम लोग रहते थे। तो वहां जब आए तो साधना की जगह ढूंढने लगे, तो जहां था वहां साधना के लिए लगने लगे। उसी बीच में वहां के जो एक जमींदार थे स्टेट थे, उनको पता चला कि कोई व्यक्ति आए हैं अमरकंटक में साधना के लिए, तो मिलने के लिए आए। तो मिल के बोले कि ठीक है आप साधना करिए, आपके शरीर की चिंता हम करेंगे, मतलब राज्य करेगा। तो नागराज जी ने कहा नहीं हमको आपका दान चंदा नहीं चाहिए। बोले फिर कैसे, जंगल में मर जाएंगे आप, जंगली जानवर तो है ही है, खाने को क्या मिलेगा? तो बोले हमें थोड़ी जमीन दे दीजिए और उसका दाम भी बता दीजिए, या तो भाड़े पे दीजिए या तो दाम बता दीजिए, उसका पैसा मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तो खैर उन्होंने कुछ जमीन दे दिया, उसमें एक दो सहयोगी के साथ खेती भी करते थे साधना भी करते थे। उसी बीच में जो जिस लड़की को लेकर के आए थे उनको कोई बीमारी हुआ और वहां सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका निधन हो गया। तो साधना चलती रही, साधना चलती रही, और साधना का मतलब माता जी बताती थी, जैसा हम लोगों ने माता जी से, मतलब मेरा माता जी से मुलाकात बहुत कम समय का है, क्योंकि मैं जब जीवन विद्या शिविर में जुड़ा उसी साल उनका निधन हुआ, तो मैं बहुत कम समय मिला। तो माता जी बताती हैं कि 18-18 घंटा 20-20 घंटा ये ध्यान में बैठे ही रहते थे। मैं खाना रख के आ जाती थी, खाना ऐसे ही बदबू आ जाता था, नहीं खाते थे, और कभी कभी खाते भी थे, कभी कभी 4-4, 5-10 दिन श्रम ही करते थे, नहीं कुछ करते थे साधना वाधना, ऐसा भी होता था। तो साधना विधि कौन सी अपनाए, तो साधना विधि इनके परिवार में चलती थी, वो भी अपने माताजी से सीखे थे, श्री विद्या उपासना पद्धति।
निकोरा में जो आश्रम है, जहाँ शिविर होता है, वो उसी पद्धति का आश्रम है, श्री विद्या उपासना पद्धति का। तो श्री विद्या उपासना पद्धति से वो साधना करना शुरू किए तो शरीर के अंगों पे देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है और बहुत सारे उसमें कर्म कांड किए जाते हैं। तो बताते हैं पहले सारा कर्म कांड करने में ज़्यादा टाइम जाता था, फिर शरीर पे ध्यान देना, अलग अलग अंगों पे देवी देवताओं को स्मरण करना, ऐसा करने में जाता था। धीरे 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 ये कर्म कांड और ये शरीर पे ध्यान ये कम होते होते खत्म हो गया और लंबा ध्यान बना ही रहता था, अपने प्रश्न को लेकर के पड़े ही रहते थे और उसमें इनको समाधि हुआ। बोलते हैं समाधि में क्या हुआ, तो बोले समाधि में शरीर का ध्यान नहीं रहता, अब मैं हूँ इसका ध्यान रहता है, अस्तित्व है इसका ध्यान रहता है, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रहता कि शरीर कोई चीज है। लेकिन बोले जब भी मैं समाधि से लौटा बाहर आया तो मैं देखता था मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि समाधि में मेरे प्रश्न ही गायब हो गए। तो बोले समाधि का मतलब ये बोर्ड पे लिखा है ये सारा मिट जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं चित्त शुद्धि, बिल्कुल साफ हो जाना, क्लियर हो जाना। तो उसमें मेरे प्रश्न भी मिट जाते थे। तो समाधि हुआ, कई बार हुआ, लेकिन मेरा उत्तर नहीं आया। तब उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया, पढ़े, तो उसमें संयम नाम की जो क्रिया लिखी है अष्टांग योग में, उस क्रिया को इन्होंने समझा। तो चूंकि धारणा ध्यान समाधि ये करते ही रहते थे, तो समाधि की स्थिति में इन्होंने संयम क्रिया को उल्टा किया। जो पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि धारणा ध्यान समाधि को एकत्रित करते हैं तो संयम होता है, ये समाधि की स्थिति में धारणा ध्यान को इकट्ठा किए, और पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि इकाई पे संयम करते हैं तो इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट होता है। इन्होंने कहा मेरे से क्या गलती हुआ या सही हुआ, मैंने आकाश में संयम कर लिया तो मुझे संपूर्ण अस्तित्व अपने रूप गुण स्वभाव सहित स्पष्ट हो गया। और बोले मुझे जो स्पष्ट हो गया वो इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लगा ये तो मेरे ही प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपकारी ज्ञान है, ये इसको क्या करना चाहिए, तो इसको बताना चाहिए, इसको शिक्षा विधि में लाना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को साधना करने की आवश्यकता ना पड़े। हर व्यक्ति साधना कर नहीं सकता, खुला है द्वार, जिसको भी लगता है इस पद्धति से अनुभव नहीं होगा वो साधना के लिए जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। नागराज जी ने कभी नहीं कहा कि यही पद्धति ठीक है, आपको कोई और पद्धति ठीक लगती है आप करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा इसको दर्शन की मान्यता दिलवाइए, कभी नहीं, इस दर्शन को बताने के लिए उन्होंने किसी दूसरे दर्शन का सहारा नहीं लिया। जैसे मैं 5 दिन से बात कर रहा हूं तो मैं किसी दर्शन का सहारा नहीं ले रहा हूं। हां, शब्द आ रहे हैं प्राचीन काल के, आत्मा चित्त बुद्धि शब्द आ रहे हैं, लेकिन उसकी परिभाषा यहां की जा रही है। जब आत्मा बोल रहे हैं तो उस आत्मा की परिभाषा की जा रही है कि आत्मा नाम का एक शब्द केवल है, एक्चुअल में अनुभव क्रिया है, अनुभव क्रिया के लिए जो बल है वो आत्मा है। तो ऐसा आदरणीय नागराज जी ने कहा कि इसके लिए मैं, इसको बताने के लिए मैं किसी दर्शन का सहारा नहीं लेता, जैसा है वैसा बताया जा सकता है। तो बोले इसको शिक्षा विधि में लाया जा सकता है और अनुभव को बताया जा सकता है, जो मैंने अस्तित्व में समझा है उसको लोगों को बताया जा सकता है। और क्या कहा, एक बड़ी बात कहा उन्होंने, और मैं इसके लिए उपलब्ध हूं। यह बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी उपलब्धता। अभी हम जितने समझदार व्यक्ति को अपने आसपास पाएंगे जिन्होंने घोषित किया है वो उपलब्धि नहीं है, आप उनसे मिल नहीं सकते, वो 7 ताले के अंदर रहते हैं, 7 घेरे के अंदर रहते हैं, आप जा नहीं सकते। जा भी सकते हैं 2 से 3 प्रश्न पूछ नहीं सकते, 3रे के आगे पूछेंगे बोलेंगे जाओ, आप सभी प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो समझदार व्यक्ति की विशेषता है उसकी उपलब्धता, वो उपलब्ध नहीं है तो किस बात का समझदार। तो हम जब अध्ययन कर रहे थे तो आदरणीय, जब हमारा अध्ययन शिविर पूरा हुआ, अध्ययन पूरा हुआ नहीं, अध्ययन शिविर पूरा हुआ
क्योंकि अध्ययन शिविर जब पूरा होता है तब अध्ययन शुरू होता है, क्योंकि अध्ययन में केवल सूचनाएं आती हैं, श्रवण क्रिया पूरी होती है, सुनने का काम पूरा होता है, उसके बाद अध्ययन शुरू होता है। तो जब हमारा अध्ययन शिविर पूरा हुआ और सत्यापन होने लगा, हम सभी अपना अपना सत्यापन कर रहे थे कहाँ पहुँचे हैं, तो आदरणीय नागराज जी ने कहा था कि देखिए, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए यदि आपको कोई बुलाता है, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए यदि आपको कोई बुलाता है और आपके पास समय है तो आप कभी मना मत करना, नहीं तो आप उपलब्ध किस बात के हो फिर? अगर वो आपके आने जाने का इंतजाम करता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने इंतजाम से आओ जाओ, लेकिन कभी मना नहीं करना। हाँ, समय नहीं है, आपकी कोई बाध्यता है, आपका कहीं दूसरे जगह कार्यक्रम है, आपके घर में कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह है, उस समय आप बता सकते हो मेरी ये बाध्यता है, नहीं तो आप मना मत करना। तो उन्हों वो स्वयं भी उपलब्ध थे, जितनी देर चाहिए बात करिए, जितने चाहे प्रश्न लेकर के आइए, कभी नहीं कहा आप बस करो, बैठते ही बोलते थे बताइए कुछ अच्छी बात। तो अगर आपने कहा बस बाबा जी आपके दर्शन करने आया था, बोलते थे ठीक है हो गया दर्शन, बोले हाँ ठीक है जाइए अमरकंटक घूम लीजिए अच्छी जगह है, या किचन में जाइए अंबा दीदी, हाँ फिर उनकी तीन संतानें हुई वहां, एक एक बड़ी दीदी अंबा दीदी है, अब वो भी बुजुर्ग हो गई हैं, मैंने हैं बहुत स्वस्थ, अभी आयुर्वेद का काम वही करती हैं अमरकंटक में, दूसरे बड़े भैया हैं और तीसरे लक्ष्मी भाई हैं, तो तीनों लोग वहीं पर हैं। बड़े भाई जो है वो अभी रिटायर हुए हैं, अमरकंटक नगर पालिका में थे, छोटे वाले अपना व्यवसाय करते हैं फैब्रिकेशन का, उनकी बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, तो अमरकंटक घर जैसा है, कोई भी गया स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी कितनी बार बाबा जी के सानिध्य में रहे, घर जैसा है, उपलब्ध रहता है, जो जाए, बाबा जी थे तब भी, नहीं है तब भी, शरीर उनका शांत हुआ अभी 2016 में, वो थे तब भी नहीं है तो भी सबके लिए घर है, हर मानव के लिए। तो उनकी क्या उपलब्धता थी, हाँ आपके पास प्रश्न है तो आप बैठिए, जैसे ही प्रश्न शुरू करते हैं समाधान आना शुरू, कभी भी उन्होंने नहीं कहा बस अब करो, तो हमेशा उपलब्ध थे। और उन्होंने सबसे कहा है आपकी उपलब्धता ही आपका प्रमाण है, जब तक आप अनुभव संपन्न नहीं हुए हो तो अब तक आपकी उपलब्धता ही आपका प्रमाण है कि आप इस दर्शन से गुजरे हो। तो समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी उपलब्धता। तो नागराज जी उपलब्ध रहे, ये आदरणीय नागराज जी की छोटी सी कहानी है। हम भी बजाएं ताली, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन पे आधारित ये है और उसके प्रणेता, उसको खोज करने वाले वो हैं। जैसे न्यूटन ने एक नियम का पता लगाया तो हम न्यूटन के नाम से उस नियम को जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जब भी इस दर्शन को कोई पूछेगा कौन पता लगाया, तो हमको बोलना ही पड़ेगा आदरणीय नागराज जी ने पता लगाया। क्या पता लगाया? नियम था ही, उन्होंने कुछ आविष्कार नहीं किया, नियम को ही पहचाना, नियम को ही पहचाना, विधि थी। अगर श्री विद्या उपासना पद्धति से उन्होंने साधना किया तो विधि पहले से उपलब्ध थी, तब वो कर पाए, इसलिए वो परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर ठीक है मेरे हथौड़े से टूटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई हथौड़ा नहीं चला था, बहुत सारे हथौड़े चले थे, तो हो सकता है मेरे हथौड़े से टूट गया। तो वो कभी ये नहीं कहे कि मेरे अकेले की उपलब्धि है, उन्होंने कहा पूरी परंपरा लगी थी, उसमें मैं आया और मैंने अनुसंधान किया। क्या अनुसंधान किया? जैसी सच्चाई है उसको वैसा ही बताने का अनुसंधान, जिसमें कोई महापुरुष, किताब, यंत्र कुछ भी नहीं लेना पड़ता, सच्चाई को जैसा है वैसा हम सामने रख के बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। एक हमारे मित्र हैं रविकांत भाई, आईआईटी दिल्ली में से बीटेक एमटेक किए, उसके बाद उनका मन हो गया, शिविर से जुड़े हुए थे, उनका मन हो गया अब समझना है तो क्या किसी दूसरे से समझना है, चलते हैं अमरकंटक, बाबा जी से समझेंगे, आदरणीय नागराज जी से। चले गए, वहां गए, 6 महीने तक सेवा करते रहे, क्योंकि उस समय उनका शरीर बुजुर्ग हो चुका था, सेवा करते रहे, कमर दबाना, पैर दबाना, सारी चीजें करना। तो एक दिन आदरणीय नागराज जी ने कहा, रविकांत
आपको क्या लगता है मेरा पैर दबा के, मेरा कमर दबा के, मेरे पीठ सहला के आपको ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, मेरा आप पीठ दबाओगे, कमर दबाओगे तो मैं तो मना थोड़ी करूंगा, मेरा शरीर बूढ़ा है, मुझे अच्छा लगता है। भाई, तीन लोगों को सेवा चाहिए, तीन लोगों को सेवा चाहिए, बच्चे को, बीमार को, बुजुर्ग को, ये तीन को सेवा चाहिए। इनको सेवा के बिना इनका जिंदगी आगे नहीं चलती है। तो बोले मुझे तो सेवा चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपको कोई समझ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट यही बताता है, यही बताता है, ये लाल वाला जो निशान है इसके अंदर तो हम जी ही रहे हैं, हमारा ये राजमार्ग, ये गेट खुल जाए, गेटवे खुल जाए, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय देना पड़ता है। 7 दिन में केवल ध्यान जाता है सच्चाइयों पे, जीवन कोई चीज है, उसमें कोई क्रिया है, मेरी क्रियाओं पे ध्यान जाता है, अस्तित्व पे ध्यान जाता है, इतना होता है, आगे आपको प्रयास करना पड़ता है। बढ़िया, चलिए। तो एक जीवन क्रिया, एक परिचय शिविर में जितना रखना चाहिए उससे ज्यादा ही मैंने रख दिया। क्यों हिमांशु भाई? लेकिन मुझे लग रहा था कि सभा बड़ी है इसलिए इस पे समय देना चाहिए, नहीं तो कांटा अटका रहेगा कहीं ना कहीं। अब इसमें 2 प्रश्न आए हैं, किसी के भी प्रश्न होंगे। इसमें एक प्रश्न है, जब इस सृष्टि में नियम सबके लिए एक है, व्यवस्था सबके लिए एक समान है, तो क्या हर इंसान जो चाहे वो बन सकता है? अर्थात उसको करोड़पति बनना है और उसको उससे ही सुख मिलेगा, तो क्या संभव है? अब अगर है तो किस रास्ते से बना जा सकता है? ये आपके बीच से प्रश्न आया है, तो इसका तो उत्तर बहुत लोगों के पास आ गया होगा अब तक। करोड़पति का मतलब क्या हुआ? कि साधन सुविधा संपन्न। पैसा का मतलब क्या हुआ? पैसा थोड़ी खाएंगे, पैसे से साधन लाएंगे, तो साधन सुविधा संपन्न होना, तो साधन सुविधा संपन्न होना आवश्यक है। इसमें लखपति, करोड़पति, हजारपति, अरबपति का मामला ही नहीं है, मामला ये है कि मेरे जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए, शरीर को देखिए, धन किस लिए चाहिए? सुविधा किस लिए चाहिए? शरीर के लिए, शरीर को चलाने के लिए। हाँ, 2 चीजें हैं, एक और चीज इसमें है, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए और संबंधों के निर्वाह के लिए। किसी के यहां शादी है, आप जाएंगे, जाएंगे तो गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, कुछ उपहार देंगे कि नहीं देंगे, तो उसके लिए भी धन चाहिए कि ऐसे ही चले जाएंगे, संबंध का निर्वाह करेंगे? हाँ, आपके यहां किसी का जन्मदिन है तो उसमें खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी संबंध का निर्वाह है। तो 2 ही काम के लिए धन चाहिए, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए और संबंधों के निर्वाह के लिए। अब कितना चाहिए ये जिसको चाहिए वो तय कर ले, कितने में कर लेगा, कितने में शरीर जिंदा रहेगा, कितने में संबंध का निर्वाह होगा। किसी को कम लग सकता है, किसी को ज्यादा लग सकता है, इसमें कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति का मामला ही नहीं है। कैसे बना जाएगा? तो एक ही उपाय है, ये सुविधा है, सुविधा भार युक्त होती है, इसके लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम पूर्वक ही करोड़पति बना जा सकता है, अर्थात श्रम पूर्वक ही सुविधा को पाया जा सकता है, बिना श्रम के सुविधा मिल जाएगी ऐसा नियम नहीं है, श्रम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चालाकी करिए, करप्शन करिए, भ्रष्टाचार करिए,
गलत धंधे में जाइए, गलत काम करिए। बिना श्रम के तो एक ही रास्ता मिलता बनता है भाई, कोई कमा के रखा है उसका हड़प लीजिए। तो बिना श्रम के कोई सुविधा प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। अगर रास्ता बनाए तो किसी न किसी अपराध की तरफ जाएगा वो। श्रम के अलावा अगर कोई रास्ता हम सुविधा पाने का निकाले तो किसी न किसी अपराध की तरफ जाएगा, और वो अपराध अंत में आपको ही अतृप्ति देने वाली है, दूसरे का नुकसान बाद में होगा। वो अपराध करते समय भी आप भय में रहते हैं, अपराध करने के बाद भी आपको उसका दुख, उसका पीड़ा रहता है, आपके परिवार को भी रहता है, आने वाली पीढ़ी को भी रहेगा। तो श्रम के अलावा कोई भी रास्ता अगर हम अपनाए करोड़पति बनने के लिए, तो वो रास्ता आपको ही अतृप्ति नहीं देगा, क्योंकि वो रास्ता गलत रास्ता होगा, अपराध का रास्ता होगा। तो इसका एक ही उत्तर है करोड़पति, अरबपति, लखपति बनने का, श्रम। दूसरा क्वेश्चन में अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि करोड़पति बनने, मुझे ऐसा लगता है कि करोड़पति बनने से मैं उसको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी होगा। हाँ। तो पहले ये भी एक, ये तो गलत ही है। हाँ, वहां पर, क्योंकि अगर करोड़पति बनने से उसको लग रहा है कि वो सुखी होगा, वो बात सही है कि उसको लग रहा है, अगर वो हो जाता तो कई करोड़पति सुखी ही होते। होते करोड़पति अरबपति कम है क्या इस देश में, दुनिया में अरबपति, खरबपति, करोड़पति भरे पड़े हैं, लेकिन जो करोड़पति है उसको करोड़ों की ही दरिद्रता भी है, जो अरबपति है उसको अरबों की ही दरिद्रता भी है, अर्थात सुखी नहीं है। आप जाके मिलो, बात करो, आप सुखी हो क्या? तो कुल मिला करके तो सुविधा से हम सुखी हो जाएंगे, इसी की तो चर्चा कर रहे हैं 3 दिन से कि भैया उससे हो नहीं सकते, करके देख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर अगर 5 दिन के बाद के बाद के बातचीत करने के बाद भी किसी को लगता है कि मैं करोड़पति बनने से ही सुखी हो पाऊंगा, तो बन के देख लीजिए, लग जाइए उस दिशा में, हमको क्या दिक्कत है। हम तो केवल इतना ही बता रहे हैं, ये रास्ता जो है, ये वाला रास्ता अहमदाबाद नहीं जाता है, फिर भी आप जाना चाहते हो तो जाओ, थक के फिर लौट के आना। तो एक तो उतना जाओगे, फिर थक के लौट के आओगे, फिर सही रास्ता पूछोगे हमसे। तो मैं तो पहले ही बता दे रहा हूं कि अहमदाबाद नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं जी जाएगा, तो जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर इतनी बातचीत के बाद आपको लगता है कि हम करोड़पति बनने से ही सुखी होंगे, अगर करोड़पति बनने से ही सुखी होंगे तो इसको बन के देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थकिए, हम तो एक इशारा कर रहे हैं कि आप थकेंगे, फिर भी आपका थकने का मन है तो एक बार थक लीजिए। दूसरा प्रश्न है भैया, बस एक प्रश्न और है, ले लेते हैं फिर टी ब्रेक करते हैं। जब हमें किसी की पीड़ा को देखकर दुखी होते हैं, वह क्या है? वह दुख है तो हम उसकी मदद ना करें तो दुख महसूस होता है, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन मदद क्या है? मदद यही है जो हम 5 दिन से आप सबकी कर रहे हैं। ज्ञान से बड़ी कोई मदद नहीं है, समझ से बड़ी कोई मदद नहीं है, लेकिन अगर उसको सुविधा का अभाव है तो तत्काल तो उसको सुविधा की मदद करनी पड़ेगी भाई। या तो आप उसको दान दो, या तो उसको वस्तु दो, या उसको किसी काम में लगा दो, यही मदद है, काम करके कुछ उत्पादन कर ले। तो अगर कोई सुविधा में पीड़ित है, सुविधा ही नहीं है, तो उसको सुविधा की मदद करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ज्ञान की मदद भी करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में जाकर के वो भी रोएगा गलत रास्ते पर। तो सुविधा की मदद की जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका तरीका कोई हो सकता है, दान दे के कर सकते हैं, या तो कोई काम दे के कर सकते हैं। तो एक कहानी आती है अंग्रेजी में कि किसी को रोज एक मछली दो, तो मछली शब्द ठीक नहीं, रोटी बोल देते हैं, किसी को एक रोज एक रोटी दो तो रोज आपके रास्ता देखेगा, आप उसको रोटी कमाना सिखा दो, रोटी बनाना सिखा दो, तो ये बड़ा उपकार होगा। तो किसी की मदद करनी है तो उसको रोजगार की मदद करनी चाहिए, दान की मदद करने से कुछ होने वाला नहीं है, श्रम पे ही लाना चाहिए उसको, श्रम पूर्वक उपलब्धि होती है, ये उसको ध्यान दिलाना चाहिए।
बिना काम के किसी को कुछ मिलता है तो वो उसको कुछ मानता नहीं, उसकी वैल्यू भी नहीं मानता, और फिर वो बिना काम के ही पाने के प्रयास में लगा रहता है, जिंदगी भर निकम्मा रहता है, और वो दुखी होता है, दूसरों को दुखी करेगा। तो काम की ही मदद करनी चाहिए, श्रम की तरफ ले जाना चाहिए, और ज्ञान की मदद तो सबसे बड़ी मदद है, इसको करना चाहिए। बढ़िया, चाय का संकेत कर रहे हैं भैया, तो चाय पी के फिर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।